नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि टेक्नो पोबा 2 इंडिया पे जब आएगा 10,000 के आसपास इसका प्राइस होगा, ये मैंने आपको 3 महीने पहले बोल दिया था। और आप देख सकते हैं ये जो स्मार्टफोन सच में 10,500 पे लॉन्च हो चुका है। इसके साथ मैंने एग्जैक्टली 1 घंटा पहले इन्फिनिक्स नोट 10 का कंपैरिजन वीडियो बना दिया है, उसमें गिव अवे भी चल रहा है, वो वीडियो देखना और उसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में देखेंगे 11,000 रुपए के आसपास सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन जिसका नाम है पोको M3, क्या उस प्राइस पॉइंट में वो बेटर है या फिर आज जो लॉन्च हुआ है टेक्नो पोबा 2 ए बेटर है, इस वीडियो में इस चीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, ये चीज मैं आपको कह देता हूँ, टेक्नो पोबा 2 5 तारीख को जो पहला सेल होगा, अगर आप लोग इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो मैं वो स्मार्टफोन लेके आपके लिए रिव्यू जरूर मैं करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के कलर को देख के। ये जो टेक्नो पोबा 2, इसका टोटल 3 कलर लॉन्च हुआ है, सिल्वर, ब्लू और ब्लैक। और जो पोको M3, उसका हमें 3 कलर मिलता है, ब्लैक, ब्लू और येलो। लेकिन अगर मैं डिजाइन के बारे में बात करूं तो इधर पोको M3 का डिजाइन सच में बहुत ही बढ़िया है, टेक्नो पोबा का भी बढ़िया है लेकिन पोको M3 का थोड़ा सा बेटर है। अगर हम दोनों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको पीछे नॉर्मल प्लास्टिक बैक कवर, मतलब जिसे हम कहते हैं पॉलीकार्बोनेट बैक कवर देखने को मिलता है। अगर हम दोनों के डायमेंशन के बारे में बात करें, टेक्नो पोबा 2 के थिकनेस है 9.6 मिलीमीटर और इसका वेट है 210 ग्राम, और पोको M3 का थिकनेस है 9.6 मिलीमीटर और इसका वेट है 198 ग्राम। नेक्स्ट अगर हम दोनों के डिस्प्ले के बारे में बात करें, टेक्नो पे आपको मिलेगा 6.9 इंच फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले जिसका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है 60Hz, लेकिन पोको पे आपको मिलेगा थोड़ा सा छोटा साइज का 6.53 इंच फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले, इसका रिफ्रेश रेट है 60Hz। तो आप देख सकते हैं ये जो टेक्नो के स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले वो ऑलमोस्ट एक छोटा सा टैबलेट साइज का डिस्प्ले, और दोनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट 90% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। टेक्नो पे आपको कोई भी डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन पोको पे आपको डिस्प्ले पे गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। अगर हम दोनों के टच सैम्पलिंग रेट के बारे में बात करें, अब देखिए टच सैम्पलिंग रेट बोलने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या चीज़ है। जब आप डिस्प्ले के कोई हिस्से को टच करेंगे तो उस जगह पे टच करने के बाद डिस्प्ले का वो वाला हिस्सा कितना जल्दी एक्टिवेट होकर काम करेगा वो डिपेंड करता है इस टच सैम्पलिंग रेट के ऊपर। एक स्मार्टफोन का टच सैम्पलिंग रेट जितना ज़्यादा, वो स्मार्टफोन आपके टच को उतना जल्दी रीड कर लेता है। तो इसीलिए इस मामले में टेक्नो पोबा 2 ऑब्वियसली बेटर है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट, लेकिन पोको पे मिलता है 60Hz का टच सैम्पलिंग रेट। और इधर मैं आपको एक और चीज़ कह देता हूँ, जिस स्मार्टफोन का टच सैम्पलिंग रेट जितना ज़्यादा वो स्मार्टफोन गेमिंग के मामले में उतना बेटर। और अगर ब्राइटनेस की बारे में बात करें तो टेक्नो का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 480 nits और पोको M3 का डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 400 nits। अगर हम दोनों के CPU के बारे में बात करें, टेक्नो पे आपको मिलेगा हीलियो G85 प्रोसेसर जो कि 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है, और पोको M3 में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर जो कि 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। टेक्नो पोबा 2 का AnTuTu स्कोर है 2,10,000 के आसपास और पोको M3 का AnTuTu स्कोर है 1,45,000 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस के मामले में जो टेक्नो पोबा 2 ऑब्वियस विनर है कंपेयर टू पोको M3। नेक्स्ट अगर हम दोनों के कैमरे के बारे में बात करें, टेक्नो पे आपको मिलेगा 48 2 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ क्वाड LED फ्लैश। फ्रंट में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके साथ डुअल LED फ्लैश। लेकिन पोको पे आपको मिलेगा 48 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ डुअल LED फ्लैश। फ्रंट में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ऑन पेपर दोनों का मेन सेंसर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्योंकि टेक्नो पे फ्रंट कैमरा में भी आपको फ्लैश मिलेगा तो ऑब्वियसली इसका जो नाइट टाइम में सेल्फी पिक्चर वो बेटर होगा पोको के मुकाबले। नेक्स्ट अगर हम दोनों के रैम और रोम के बारे में बात करें, टेक्नो का 2 वेरिएंट अवेलेबल है, 464GB और 612GB। पोको का टोटल 3 वेरिएंट अवेलेबल है, 464GB, 664GB और 612GB। और दोनों स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिलेगा या फिर जिसे हम कहते हैं 2+1 कार्ड स्लॉट। अगर हम दोनों की रैम और रोम क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको LPDDR4X क्वालिटी का रैम देखने को मिलेगा। टेक्नो पोबा 2 पे जो इंटरनल स्टोरेज उसका क्वालिटी है eMMC 5.1, लेकिन पोको M3 में 2 टाइप का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। जो 64GB लोअर एडिशन उसमें मिलेगा UFS 2.1 और जो 120GB हायर एडिशन उसमें आपको मिलेगा UFS 2.2। तो मतलब इसका जो रीड एंड राइट स्पीड वो ऑब्वियसली बेटर है टेक्नो पोबा 2 के मुकाबले। इसके बाद अगर हम दोनों के ऑडियो के बारे में बात करें, टेक्नो पे आपको सिंगल स्पीकर मिलता है लेकिन पोको M3 में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है। तो ऑडियो के मामले में पोको M3 ऑब्वियसली बेटर है। नेक्स्ट अगर हम दोनों के बैटरी के बारे में बात करें, टेक्नो का एक दरअसल मेन सेलिंग पॉइंट है क्योंकि इसमें आपको मिलता है 7000mAh बैटरी, उसके साथ 18W का फास्ट चार्ज, और जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलता है USB Type-C।
और अगर पोको M3 के बारे में बात करें उसमें आपको मिलता है 6000 mAh बैटरी, उसके साथ 18W का चार्जर और जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा USB Type-C। इसके बाद अगर हम दोनों के पोर्ट के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 3.5 mm जैक मिलेगा और दोनों स्मार्टफोन में जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो हमें मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, मतलब फोन के राइट साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम दोनों के OS के बारे में बात करें तो यही जगह पे मेरे ख्याल से टेक्नो पोबा 2 थोड़ा सा बेटर है। तो टेक्नो पोबा 2 लॉन्च ही हुआ है एंड्रॉइड 11 के साथ जिसका यूजर इंटरफेस है हाई OS 7.6, लेकिन पोको M3 में अभी तक एंड्रॉइड 11 का अपडेट नहीं आया है, वही आपको एंड्रॉइड 10 ही मिलता है जिसका यूजर इंटरफेस है MIUI 12। और जो लोग सॉफ्टवेयर को लेकर ज्यादा कॉन्शियस है मेरे ख्याल से वो इधर टेक्नो पोबा 2 को ही चूज करना चाहेंगे। तो इसके बाद फाइनली अगर हम दोनों के प्राइस के बारे में बात करें, टेक्नो पोबा 2 का 464 GB का प्राइस है 10,500, 6 120 GB का प्राइस है 12,500 रुपये और पोको M3 का 464 GB का प्राइस है 10,500, 664 का प्राइस है 11,500 और 6 120 GB का प्राइस है 13,000 रुपये। तो अब बड़ी इस वीडियो के कंक्लूशन की, तो एक्जैक्टली सेम प्राइस पर में कौन सा बेटर है, ये नेक्स्ट साल देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपका बजट है 11,000 रुपये और अगर आप इस प्राइस पर में पोको के साथ जाते हैं तो आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी स्टोरेज जो कि है UFS 2.1 और 2.2 और ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी स्पीकर मिलेगा क्योंकि इसमें आपको डुअल स्पीकर मिलेगा। लेकिन अगर आप सेम प्राइस पर में टेक्नो के साथ जाते हैं तो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 7 इंच के आसपास डिस्प्ले, 180Hz टच सैंपलिंग रेट जो कि गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑन पेपर थोड़ा सा बेटर क्वालिटी कैमरा, 1000mAh ज्यादा बैटरी, एंड्रॉइड 11 का फीचर। तो देखिए इधर आपको मालूम चल गया होगा कि 11000 में कौन सा बेटर है। ऑब्वियसली टेक्नो पोबा 2 बेटर है, लेकिन अभी मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग मुझे कहेंगे कि पोको पे हमें UFS 2.1 और 2.2 का फीचर मिलता है तो ऑब्वियसली गेमिंग में बेटर होना चाहिए। अब देखिए आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर मैं कंप्यूटर के बारे में बात करूं, अगर आपके पीसी में नॉर्मल HDD मतलब हार्ड डिस्क है और मेरे पास अगर SSD है, ऑब्वियसली मेरा जो पीसी वो आपके पीसी के मुकाबले एटलीस्ट 50% जल्दी टाइम में गेम या फिर दूसरा कोई चीज ओपन कर लेगा, मतलब इसका ऐप ओपनिंग टाइम या फिर गेम ओपनिंग टाइम ऑब्वियसली बेटर होगा मेरे SSD में। लेकिन जब हम गेम खेलेंगे, गेम खेलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टच सैंपलिंग रेट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि स्क्रीन में टच करने के कितने सेकंड बाद उधर का जो सिस्टम वो एक्टिवेट होता है ये टोटली डिपेंड करता है टच सैंपलिंग रेट के ऊपर। और इस मामले में टेक्नो पोबा 2 ऑब्वियसली बेटर है, पोको इस मामले में बेटर नहीं है। तो मतलब घुमा फिरा के एक है, गेमिंग के मामले में ओवरऑल बेटर है टेक्नो पोबा 2। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक करना जिससे कि टेक्नो पोबा 2 का जो पहले ही सेल होगा उसमें मैं ये स्मार्टफोन खरीद के आपके लिए रिव्यू जरूर कर पाऊं। तो मिलते अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।